Oh, my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to flap. दोस्तों आप है लॉकडाउन और आपका कर रहा है कुछ यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाने का मन, लेकिन आपके पास है बिल्कुल कम रिसोर्सेज, तो क्या बनाएं और क्या खाएं। तो ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आज और फिर आपके पास हाजिर हूँ। इस समय मैं हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डिश जो सिर्फ आटा, चीनी और पानी और तेल को यूज करके बन जाएगी और ये बहुत टेस्टी डिश होने वाली है। दोस्तों अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो इसको यहाँ कहते हैं चिलड़े। तो दोस्तों चिलड़े बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा आटा, जितने भी आपको चिलड़े खाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आटा ले लेंगे, और साथ में आपको चाहिए पानी। पानी के साथ आपको चाहिए शुगर। अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो चीनी अवॉइड कीजिए, आप नमक यूज कर सकते हो, बट मुझे पसंद है मीठे चिलड़े इसलिए मैं यूज करूँगा शुगर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हमने आटा, चीनी और पानी को लेकर बना देना है घोल, और घोल होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। ये घोल बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, जो मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका आटा और पानी का घोल बने ये आपका बिल्कुल लिक्विड ज्यादा हो, लिक्विड के फॉर्म में ज्यादा हो, इसको बहुत हार्ड आपको नहीं करना है। और जैसे ही आपका आटे का घोल तैयार हो जाएगा इसके बाद हम शुरू कर देंगे चिलड़े बनाना शुरू। दोस्तों आपको ले लेना है पैन, मैं यहाँ पे पहले ही ले चुका हूँ और पैन हो चुका है गर्म, और इसको रख लेंगे हम गैस में। गैस में रखने के बाद गैस को कर लेंगे हम थोड़ा सा सिम, धीमी आंच में आपको पकाना है। अगर गैस थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आपका चिलड़ा जल भी सकता है। सो हम ले लेंगे ऑयल, और ऑयल को डाल देना है, बहुत ज़्यादा ऑयल आपको नहीं डालना है, हल्का सा ऑयल डालना है आपको लगभग इतना, और इसको फैला देना है पूरे पैन पे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, ऑयल हो चुका है गर्म, और अब हम इसमें डाल देंगे अपने आटा, पानी और चीनी का घोल। बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, जितने बड़े साइज का आपका पैन है उतना ही आपको डालना है, और इसके सेंटर में हम मैक्सिमम डाल देंगे। इतना डालने के बाद हम इसको स्पून से चारों ओर फैला देंगे, बॉल बिल्कुल धीमे हाथ से आपको, लाइट लाइट हाथों से आपको इसको फैलाना है चारों तरफ। और अगर ये चारों तरफ नहीं फैला तो थोड़ा सा और डाल देंगे, और इसको हम चारों तरफ फैला देंगे। देख रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर ये बन रहा है, और खाने में पता नहीं कितना यम्मी ये होने वाला है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ऊपर कलर आना शुरू हो रहा है, ऊपर देखने से मालूम चल रहा है कि पकना शुरू हो गया है। जब तक ऊपर आपको ऐसे पैटर्न्स ना फॉर्म हो जाए कि ये पक गया है, तब तक आपको इसको पलटना नहीं है। अगर आपको इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा खराब। तो इसको पलटने के लिए आपको यूज करना है कुछ इस टाइप की, इसको क्या कहते हैं, करछी या समथिंग, मुझे कुछ अंदाजा नहीं इसको क्या कहते हैं। तो इस तरह की यूज करेंगे, और चारों तरफ से इसको हल्का हल्का, बन चुके हैं चिलड़े, और अब हम जा रहे हैं इसको खाने। खाने के लिए अलग रूम है क्योंकि डाइनिंग रूम अलग है, तो आई होप आपको ही मजा आएगा। लेट्स सी कितने टेस्टी है। सो अभी मैं हूँ इसको खाने वाला, और आप लोग भी खाइए और करिए अपना सफर एंजॉय।